नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं आपका YouTube चैनल इंटरनेट से सीखो में। दोस्तों, बिहार SSC का के तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, और क्या है नोटिफिकेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं पूरी जानकारी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे थंबनेल में लिखा हुआ है कि बिहार SSC नोटिफिकेशन, बिहार लॉकडाउन आवेदन करने की तिथि जो है बढ़ गया है, और यह तिथि जो है आवेदन की जो तिथि है वो अप्रैल तक कर दी गई है, जो कि मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है। मेंस का जो फॉर्म भराने वाला था उसका जो आवेदन की तिथि थी दोस्तों वो अप्रैल तक कर दी गई है, और मैं आपको पूरी जानकारी नोटिफिकेशन के जरिए मैं आप लोगों तक इसे शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और घंटे के बटन को जरूर दबा लेंगे, ताकि जो भी वीडियो मैं बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और हर न्यूज़ की जानकारी आप सबसे पहले पा सकेंगे। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर। ऑफिशियली वेबसाइट पर जाने से पहले मैं कुछ वीडियो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। अगर उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप लोग देख लेंगे, और हमारा आई बटन पे आपको लेटेस्ट अपडेट की वीडियो के बारे में वहाँ पे जानकारी मिल सकती है, वहाँ से आप लोग पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और किसी भी प्रकार का कोई भी लिंक, जो भी लिंक होगा दोस्तों, मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है, और जो भी लिंक होगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको वहाँ पर लिंक ऑलरेडी पहले से ही मैं उसे अपलोड कर देता हूँ, और आप लोग वहाँ से जा करके आप सारी जानकारियाँ और उसका जो भी PDF होगा, जो भी लिंक होगा, जो भी वेबसाइट का लिंक होगा, मैं अपने जो है टेलीग्राम ग्रुप में उसे मैं शेयर कर देता हूं। आप वहां पे जा करके सारी जानकारियां प्राप्त कर सकते हो और PDF को डाउनलोड करके अच्छी तरह से नोटिफिकेशन को भी पढ़ सकते हो। तो चलते हैं इसके वीडियो पे, जो कि मैंने आपको बताया कुछ वीडियो के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आप देख सकते हो ये पोस्ट ऑफिस GDS वैकेंसी का है, जो कि 10वीं पास ऑल इंडिया वैकेंसी है, और 10वीं पास आवेदन कर सकते हैं इसे। और बिहार अपकमिंग वैकेंसी जो नगर विकास एवं आवास विभाग की तरफ से 78-74 की नियुक्ति होगी, और बिहार टीचर रिक्वायरमेंट की जो है फिर से हाईकोर्ट की जो है नियोजन पत्र के शेड्यूल जारी कर दिया गया है, और बिहार बेल्ट और स्टेनोग्राफर का जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो चुका है दोस्तों। और आपको घर बैठे #घर पर रहें 21 देर लॉकडाउन ऑल इंडिया, ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर देखना है। और जो भी कैंडिडेट इन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं अभी तक, इन सभी वीडियो को बारी बारी से देख लेंगे और समझ लेंगे। तो मैं आपको लिए चलता हूँ इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे, जो कि मैंने आपको बताया बिहार SSC का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसके बारे में, मेंस का जो फॉर्म का अप्लाई करने का बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, मैं आप लोगों तक उसे शेयर करता हूँ। तो चलते हैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पर। दोस्तों, मैं आपको पूरी जानकारी लाइव के साथ दिखाने वाला हूँ, तो मैं आप गूगल पे आकर के मैं BSSC को टाइप करूंगा और उसे सर्च करूंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मैंने इसे टाइप कर लिया है, और इसे सिंपली अब हम सर्च करेंगे। तो जैसे ही सर्च करेंगे, जिसका जो भी लिंक आएगा, पहला लिंक जो आएगा वो इसका ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। जो भी लिंक होगा दोस्तों, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में उसे शेयर कर दिया हूँ, आप वहाँ पर डायरेक्टली जा कर के सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो इसके ऑफिशियली वेबसाइट का लिंक है, जो कि बिहार SSC होम पेज का लिखा हुआ है, जो कि bihar ssc.bis.nic.in, ये इसका ऑफिशियली वेबसाइट है। इसे क्लिक करेंगे और इसके होम पेज पर चले जाएँगे, और होम पेज पर आने के बाद तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं इसके ऑफिशियली वेबसाइट पे आ चुका हूँ, और इसका ऑफिशियली वेबसाइट का जो भी लिंक होगा मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में इसे डाउनलोड कर दिया है, और आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से उस लिंक पे क्लिक करके उस वहाँ पे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में आप जा सकते हो। तो आपको यहाँ पर सूचना पट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सूचना पट पर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहला 24 तारीख का जो डेट दिया गया है, दिनांक 24/3/2020 का विज्ञापन संख्या दिया गया है 06060114, और इस पर आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजिंग नंबर भी दिया गया, फर्स्ट इंटर लेवल कम्बाइंड कॉम्पिटेटिव मेंस एग्जाम 2014 के बारे में दिया गया है इसमें। तो आपको सिंपली इसे क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो यह आपको डाउनलोड करने के लिए बताया जाएगा, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं एक डाउनलोड हो चुका है। अब मैं इसे PDF फाइल में खोलता हूँ, और आप देख सकते हैं पत्रांक संख्या दिया गया है इसमें, बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना है, जो कि ज्ञापन संख्या 722/, उसके बाद
24/3/2020 की, जो कि पटना के द्वारा इसे नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि विज्ञापन संख्या जो दिया गया है, प्रथम इंटर स्तरीय प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2014 में योग्य पाए गए अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि जो 26/3/2020 थी, अब ऑनलाइन जो है आवेदन करने की अंतिम तिथि 28/3/2020 निर्धारित है। लेकिन कोरोना वायरस यानी COVID-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन घोषित कर दिया गया है, जो कि लॉकडाउन के मद्देनज़र अभ्यर्थियों के व्यापक हित में ऑनलाइन आवेदन की जो कि जमा करने की अंतिम तिथि वो 26/3 थी, जो कि मैंने आपको बताया, उसके स्थान पे अब आपको जो है 13/4/2020 तथा आवेदन समर्पित करने की अंतिम तिथि 28/3 जो दी गई थी उसे आप 15/4/2020 निर्धारित की जाती है। अभ्यर्थियों के अनुरोध है कि निर्धारित तिथि तक आवेदन जो है आपके ऑनलाइन आवेदन समर्पित करने की सुनिश्चित करेंगे। और यह जो है सचिव बिहार कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से जो सचिव जी हैं उन्होंने इस नोटिफिकेशन को जारी किया है। तो आप लोगों को क्लियर हो चुका है, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो लॉकडाउन का जो दिया गया है, जो कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन पूरे देश में फैला हुआ है लॉकडाउन का, वो 14 तारीख तक लॉकडाउन की तिथि निर्धारित है, उसके बाद आपको लास्ट डेट जो है आपका 15/4/2020 की है। तो इस तारीख तक में आप लोगों को जो है अपना मेंस का जो फॉर्म है ऑनलाइन इसे अप्लाई कर देने हैं और अंतिम तिथि तक समर्पित कर देने हैं, सबमिट कर देने हैं। तो दोस्तों अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और दोस्तों आप लोगों से मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग घर से बाहर ना निकलें और घर में ही रहें, क्योंकि अगर घर में आप लोग रहते हो तो इसका जो इन्फेक्शन का जो COVID-19 का जो इन्फेक्शन कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन बढ़ रहा है वो कम हो सकता है। तो दोस्तों आप लोगों से फिर से मैं अनुरोध करूंगा, आप लोगों को घर में ही रहना है और सुरक्षित रहना है अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो दोस्तों अब मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूँगा और हमारा इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का धन्यवाद।